हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड में ड्रग्स का जो जाल है वो फैलता जा रहा है। कल लोकसभा में बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसकी सफाई की मांग उठाई थी, स्वच्छता की, लेकिन सांसद जया बच्चन को रवि किशन की ये मांग रास नहीं आई। आज संसद में उन्होंने रवि किशन पर बगैर नाम लिए निशाना साधा और फिर इस विवाद में कंगना ने भी मारी एंट्री। ये एनसीबी के वो 55 सवाल हैं जिनके जवाब ने रिया को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और आज दूसरी बार भी रिया की जमानत याचिका खारिज हो गई। एबीपी न्यूज के पास वो सारे सवाल मौजूद हैं जो रिया से पूछे गए। रिया ने जो राज उगले उससे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है, कई बड़े नामों पर गाज गिरने वाली है। उससे पहले इस मुद्दे ने बॉलीवुड से जुड़े सांसदों के बीच भी तलवारें खींच दी हैं। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवाते हैं। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। इसी में दम नहीं है ये बात करने की, सिर्फ दया बच्चन ही सरकार की बात जया जी कर सकती है। कल बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन का मुद्दा उठाया था, जिस पर आज राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पलटवार किया। Yesterday, one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। अब रवि किशन का वो बयान सुन लीजिए जो कल उन्होंने लोकसभा में दिया था। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है। रवि किशन ने बॉलीवुड में पैर जमा चुके ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की थी। इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं था कि जया बच्चन नाराज हो जाएं। इसलिए जया बच्चन का विरोध समझ से परे है। एबीपी न्यूज के मैं सभी दर्शकों को कहूं, मैं बहुत शॉक्ड हूं। जया जी हमारी सीनियर है, मैं उनके सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में पैर छूता हूं। जया जी ने मेरा कल व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं, मैंने क्या कहा। मुझे लगा आप मेरा साथ देंगी, आप सीनियर हैं, आप मेरा इसमें समर्थन देंगी कि रवि सही कह रहा, बट आपका ये शब्द उनको बहुत बहुत हर्ट हुआ। मैं कि आपने कहा जिस थाली में खाते हैं, तो जया जी मैं किसी थाली में, मुझे कोई थाली पहली बात तो मिली नहीं, आप मेरा इतिहास पढ़े। दिल्ली में जया बच्चन और रवि किशन के बीच चल रही जुबानी जंग में मनाली से कंगना भी कूद पड़ी, ट्वीट किया, जया जी क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा गया होता, ड्रग दिया गया होता या फिर बचपन में शोषण किया जाता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक ने बदमाशी और उत्पीड़न की शिकायत लगातार की होती और एक दिन फांसी पर लटके मिलते? हमारे लिए भी करुणा दिखाओ। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate and I hope the government tells these people who have made their earning name and fame in this industry to stop using such language. जया बच्चन का यह गुस्सा कंगना के खिलाफ भी था, क्योंकि कंगना ने ही 26 अगस्त को किए एक ट्वीट में बॉलीवुड को बुलीवुड और गटर बताया था।